प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ और ये है आपके लिए वर्कशीट नंबर 22 सब्जेक्ट हिंदी क्लास है 10th। अगर आप CBSE 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और पाठ का नाम है आपके लिए लखनवी अंदाज। जी हाँ, लखनवी यानी कि लखनऊ के लोग। और लखनऊ आपको, अगर आप हैं लखनऊ के तो मैं कमेंट में ज़रूर बताइए, या आपके अगल बगल में लखनवी लोग हैं तो भी हमें कमेंट कीजिए। लखनवी यानी कि नवाबों का देश। तो नवाबी अंदाज इस पाठ में दिखाया गया है, पाठ यशपाल द्वारा। तो इसके राइटर कौन है? यशपाल हैं। द्वारा लिखित एक व्यंग्य रचना है। तो ध्यान दीजिए, ये व्यंग्य रचना क्या है? व्यंग्य है, व्यंग्य साहित्य की एक विधा है, प्रकार है। तो व्यंग्य कहते किसे हैं? व्यंग्य का अर्थ होता है कटाक्ष करना, यानी कि अपनी बात को भी कह देना और किसी को बुरा ना लगना। तो ये होता है आपका व्यंग्य, यानी कि आप किसी बात को कहते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर कोई मेकअप किया है किसी लड़की ने और वो बड़ी अजीब सी दिख रही है, लेकिन आप कह देते हैं कि वाह आज तो क्या लग रही है। तो ये क्या है आपका? एक तरह से व्यंग्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं, है ना। आप मजाक मजाक में कहते हैं लेकिन आप महत्वपूर्ण बात कर देते हैं, ये आपका हो गया व्यंग्य। जैसे कि आपने लड़की से कहा कि वो अच्छी नहीं लग रही थी, खूब सारा पाउडर पोथा हुआ था, लेकिन आपने कह दिया कि क्या गजब लग रही, क्या मेकअप किया है ना। आगे देखिए, और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। तो ये है व्यंग्य की खासियत, कि आपने मजाक मजाक में बहुत कुछ कह दिया लेकिन सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। तो ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है, हर किसी के पास नहीं होता। अगर आपके पास है व्यंग्य का टैलेंट तो हमें अपने नाम के साथ कमेंट जरूर कीजिए। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी कि पूंजीपति। अब पूंजीपति आप जानते होंगे, जिनके पास की पूंजी है, पूंजीपति हैं, उस पर, उस वर्ग पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। और लेखक ने कहा कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि हैं। यानी कि जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, ये वास्तविकता से तो बेखबर रहते हैं, यानी कि रियलिटी इनसे बहुत दूर होती है, और ये बनावटी जीवन शैली के आदि होते हैं। इनको हर चीज़ में बनावटी चाहिए, हर चीज़ में इनको दिखावा चाहिए, चाहे इनके घर में खाने के लिए ना हो, लेकिन कुत्ते पालेंगे लोग, बिल्ली पालेंगे ये लोग। तो इस तरह से इनके शौक़ भी ऐसे ही होते हैं, मतलब कि टोटली दिखावा होगा, चाहे तो इनके घर में कुछ ना हो लेकिन खाने पीने का दिखावा बाहर बहुत करेंगे। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा, ठीक है, ध्यान दीजिए कि लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कह दिया। किसे? जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग व्यंग्य करते हैं उसको लेखक ने, सॉरी, जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग वास्तविकता से दूर रहते हैं, उसे परजीवी संस्कृति कहा है यहाँ पर। और आगे देखिए, इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया। एक नवाब होते हैं लखनऊ के, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, कई आपके आसपास में कोई अगर लखनऊ के लोग हैं तो उनको जरूर और नवाब साहब कहते होंगे, यानी कि लखनऊ के जो लोग हैं वो, उनको नवाबी दुनिया का मतलब माना जाता है। तो लखनऊ के जो नवाब हैं उनकी दिखावटी ज़िंदगी का वर्णन किया है। क्या वो सोफ ज़्यादा करते हैं? जो रेलगाड़ी में यात्रा तो करते हैं, समय बिताने और शौक़ के लिए वो खीरा और ख़रीद लेते हैं। वो रेल ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, है ना, अपने घर जा रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं वो शौक के लिए या समय बिताने के लिए वो एक खीरा खरीदते हैं, खीरा यानी कि ककड़ी। और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं, लेखक भी उसी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं और वो लेखक से भी कहते हैं कि आप भी खीरा खाइए, लेकिन लेखक के मना करने पर लेखक मना कर देते हैं, भैया खीरा हम नहीं खाते, क्योंकि खीरा जो है वो छोटे लोग खाते हैं, बड़े लोग जो बड़ी बड़ी चीज़ें खाएंगे। तो लेखक ने भी कुछ अपना नवाबीपना शो कर दिया, क्योंकि सामने वाले जो नवाब थे वो अपने आप को नवाबी दुनिया का समझ रहे थे। तो उन्होंने खीरा खाने के लिए लेखक को कहा, तो लेखक ने क्या कर दिया, सीधा मना कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं लेखक, सॉरी,
जो नवाब हैं वो क्या करते हैं, खीरे को धोते हैं, है ना, और धोने के बाद पोंछते हैं, पोंछने के बाद करीने से काटते हैं, यानी कि तरीके से, बढ़िया तरीके से खीरे को काटते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर, पहले खीरे को धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं, करीने से काट रहे हैं, और फिर जीरा, मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं, यानी कि स्वादिष्ट बना दिया। धोया, पोंछा और तरीके से काट करके फिर जीरा और नमक मिला दिया उनमें, यानी कि खाने की पूरी तैयारी। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे मुंह में भी पढ़ाते पढ़ाते पानी आ रहा है। और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं, जब पूरी तैयारी हो गई तो अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं, लेखक से फिर पूछते हैं कि जी खाएंगे क्या आप खीरा, तो लेखक एक बार मना कर चुके थे, है ना। और कई बार हम किसी चीज़ को एक बार मना कर देते हैं तो बाद में वो चीज़ हम चाहते भी हैं लेना, लेकिन नहीं ले पाते, क्योंकि एक बार हमने मना कर दिया। सपोज करो आपका दोस्त आपको कोई चीज़ दे रहा हो और आपने कह दिया कि नहीं ये तो गंदा है, अब बाद में आपको लगा कि नहीं यार ये तो गंदा नहीं अच्छा है, फिर आप खाना चाहते हैं तो आप नहीं खा पाते, क्योंकि एक बार आप उसे गंदा कह देते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने मुंह में पानी तो आ रहा है लेखक के भी, देखो यहाँ पर मुँह में पानी आने के बावजूद भी मना करते हैं। नवाब साहब भी क्या करते हैं, क्योंकि नवाब साहब को लग रहा है कि मेरी नवाबी दिखावटी ज़िंदगी का पता लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, खीरे के एक एक फांक को उठाकर मुंह के पास, यानी कि अपने मुंह के पास खाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं, नाक से सूंघते हैं और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते। वाह, अजीब नवाबीपना है, अजीब नवाबीपना है। यानी कि खीरे को धोया, पोछा, काटा, नमक मिर्च मिलाया, लेकिन खाया नहीं, बल्कि खिड़की से बाहर फेंक दी सारे फांक। तो लेखक देख रहे हैं कि ये क्या दिखावटीपना है, कि अपनी नवाबीपना दिख गई है, इसलिए खीरे को खा नहीं रहे बल्कि फेंक रहे हैं। तो आपने ऐसे नवाब जरूर देखे होंगे, बनावटी शैली वाले, जरूर हमें कमेंट में बताइए। अब पहला सवाल देखिए कि व्यंग्य किसे कहते हैं, है ना, इसकी क्या विशेषता होती है। तो व्यंग्य, जैसे कि हमने ऊपर ही बताया कि व्यंग्य क्या होता है, मजाक मजाक में कोई बात कह देना, है ना, मजाक मजाक में कोई बात कह देना। और एक एक तरीका है, शैली यानी कि मेथड है एक हिंदी साहित्य का। और इसकी क्या विशेषता है, तो विशेषता आपको बता दिया कि अपनी बात कह दी बहुत बड़ी बात, लेकिन सुनने वाले को बुरा नहीं लगता, तो ये इसकी विशेषता होती है। इसी तरह से लिखना आपने। दूसरा सवाल है कि लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है? तो परजीवी संस्कृति का यूज उस पाठ में आया ऊपर, तो किसके लिए कहा है, वो लोग जो लोग दिखावीपन दिखावटीपना अपना वो दिखाते हैं इस तरह से, उन लोगों को यहाँ पर परजीवी संस्कृति कहा है, कि जो वास्तविकता से दूर रहते हैं, वास्तविकता से बेखबर रहते हैं। तो आगे देखिए, अगर किसी भी सवाल में आपको कोई भी डाउट होता है तो वो सवाल के साथ हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। आगे देखिए कि नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप उनके दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे। तो आपने पूरा जो पैसेज है वो पढ़ लिया, तो नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप उनका दिखावा कहेंगे। तो देखो जी, उन्होंने खीरे को पोंछा, धोया, पोंछा, काटा तरीके से, और उसके बाद क्या कर दिया, उसमें नमक मिर्च मिलाया और नाक तक ले गए, मतलब मुंह तक ले गए, सूंघ कर ही बाहर फेंक दिया। तो ये क्या दिखावा है, अरे जब इतना सब कुछ कर ही लिया तो खा ही लो, लेकिन नहीं, क्योंकि अपनी नवाबीपना दिखानी थी तो वो खीरे को उन्होंने बाहर फेंक दिया। चलिए आगे देखिए, ये एक्टिविटी है बहुत ही गजब की, और आपको इस एक्टिविटी को करने में मज़ा आने वाला है, कि जीवन में दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण आपने लिखाना है, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी आपने उसमें ज़रूर डालना है। यानी कि पहले आप दिखावेपन का एग्जांपल देंगे और उसमें अपना एक्सपीरियंस डालेंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो आपको कैसा लगा, आपको क्या लग रहा था, ठीक है, और आप उनकी जगह होते तो क्या करते। तो यहाँ पर आप किसी ने आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, नातेदारी में किसी ने दिखावापन किया होगा, आपने उनका एग्जांपल लेना है। और ये तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत सारे आते रहते हैं, तो उनका एक एग्जांपल लेना है और उसको अपना एक्सपीरियंस उसमें, कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया,
उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको मैं कमेंट में एक प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिए। अच्छा लगता है आपके कमेंट हम तक आते हैं। और मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।